Hey everyone, welcome back to my channel. In the segment of forensic science, today we are going to study basic principle and laws of forensic science and its significance. So before starting the lecture, if you are new to the channel, please subscribe to the channel, like the video and also share the video. And do not forget to press the notification bell icon so that you will get notified as soon as the new video comes in. Let's begin today's class and see basic principles of forensic science and its significance. First of all, forensic science is the science which has developed its own laws and principle. ये चीज आपको याद रखनी है कि फॉरेंसिक साइंस एक वो साइंस है जिसने अपने खुद के लॉज एंड प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं. One important point is the laws and principle of all the natural sciences are the basis of forensic science. यहाँ पर एक लाइन आती है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, that every object, whether it is natural or man-made, has an individuality which is not duplicated in any other object. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो, उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है. ठीक है, चलिए अब हम लॉज देख लेते हैं. व्हाट आर दी लॉज? यू नीड टू रिमेंबर 7 लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस. फर्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, थर्ड इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, फोर्थ इज लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट, फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, सिक्स्थ इज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज एंड सेवेंथ इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक है फॉरेंसिक साइंस का. ये आपको आना चाहिए, जो ये कॉन्टेंट है ये मिलेगा नहीं आपको. ये बहुत प्रॉपर तरीके से एक मैंने सिक्वेंस के साथ में प्रिपेयर करा है, तो आपको बहुत हेल्प होगी जितने भी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. ओके, तो हम लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं. लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब इंडिविजुअलिटी से ही हमें समझना चाहिए कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व इन अ क्राइम हैज एन इंडिविजुअलिटी इफ द सेम इज एस्टेब्लिश्ड इट कनेक्ट्स द क्राइम एंड द क्रिमिनल. मतलब कि कोई भी चीज़ हो जो क्राइम में इन्वॉल्व हुई है उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है. ठीक है, अब अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है तो वो आपको किस चीज़ में हेल्प करेगी? क्राइम से क्रिमिनल को कनेक्ट करने में. ठीक है, क्राइम और क्रिमिनल को हमें कनेक्ट करना है, तो आपको कोई चीज़ क्राइम सीन से मिली है तो उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट द क्राइम एंड द क्रिमिनल. ठीक है, लेकिन अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि कहीं ना कहीं ये लॉ अपने आप में कॉन्ट्रेरी है. कुछ कॉमन बिलीव्स हैं एंड ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ग्रेन ऑफ सेंड और कॉमन सॉल्ट, ये इन दोनों के ग्रेन्स की साइज सेम होती है, देखने में सेम होते हैं, प्लांट के सीड्स सेम होते हैं, या फिर ट्विंस की बात करें तो वो सेम होते हैं. तो यहाँ पे ये कुछ ऑब्जर्वेशन की वजह से ये जो लॉ है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी करता है. बट अगर हम एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में अगर हम ध्यान दें कि चाहे कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्डबोर्ड से अगर हम कबर्ड बना रहे हैं या डेस्क बना रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर कबर्ड या फिर डेस्क बन रहे हैं, तो एक वुड के पीस से सारे कबर्ड्स या फिर डेस्क नहीं बन सकते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं एक पीस से कुछ कबर्ड्स बने, फिर दूसरे कबर्ड्स बनाने के लिए दूसरा पीस लेकर आए, तो माइन्यूट चेंजेस, माइनर चेंजेस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे. माइनर फ्लॉज, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो, चाहे इम्परफेक्ट स्टैम्पिंग हो, या वेरिएशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो, कुछ भी हो, क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई हो, क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गई हो, पर थोड़ा सा चेंज देखने को हर चीज़ में मिलेगा. और यही इंडिविजुअलिटी कहलाती है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से मैच ना करे, उसमें चेंजेस कहीं ना कहीं हो, दैट इज नोन एज इंडिविजुअलिटी. और वो हर चीज़ में देखने को मिलती है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है. कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लें कि जैसे करेंसी आती है, ठीक है, करेंसी सेम नहीं होती है, हर नोट की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है. सेकंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज फिंगरप्रिंट. कभी भी टू इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे. फेसेस कैन लाए बट फिंगरप्रिंट्स कैन नॉट लाए. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इस लॉ को प्रूव करते हैं, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी को. ओके, नाउ
बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ चाहिए हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स और जो जितने भी बुक्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर अनदर लॉ एंड प्रिंसिपल। तो सेकेंड प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, एडमंड लोकार्ड, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, कॉमनली नोन एज एडमंड लोकार्ड्स मैक्सिमा ऑन इंटरचेंज। यहाँ पर इनका ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था। इनके प्रिंसिपल के हिसाब से इन्होंने कहा था, व्हेन अ क्रिमिनल और हिज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम कम इन कॉन्टेक्ट विद द विक्टिम और द अदर ऑब्जेक्ट सराउंडिंग हिम, दे लीव ट्रेसेस। ठीक है, लाइकवाइज द क्रिमिनल और हिज इंस्ट्रूमेंट पिक अप ट्रेसेस फ्रॉम द सेम ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर कहीं पर क्राइम हुआ है और क्रिमिनल ने, चाहे वो क्रिमिनल वहाँ खुद गया हो या उसने किसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा हो, तो वहाँ पर एविडेंसेस मिलेंगे। वहाँ पर डेफिनेटली एविडेंसेस कुछ ना कुछ जो है क्रिमिनल वहाँ छोड़ के भी जाएगा, साथ में क्रिमिनल जो है वो अपने साथ में भी कुछ एविडेंसेस लेकर जाएगा। देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वहाँ पर हमेशा होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई क्राइम सीन है और वहाँ से कोई भी एविडेंस ना मिले, चाहे कोई कितने भी सबूत मिटाने की कोशिश करे, बट कुछ ना कुछ ट्रेस एविडेंसेस वहाँ रह भी जाएंगे और साथ ही में कुछ ट्रेस एविडेंसेस उस क्रिमिनल के साथ में भी चले जाएंगे। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो कि एडमंड लोकार्ड ने दिया था, He was actually known as Sherlock Holmes of France. ठीक है, तो इनका ये principle था that every contact by a criminal leaves behind a trace. कभी जब भी कोई भी crime हुआ है, criminal जो है वहाँ पर trace छोड़ के जाएगा ही जाएगा, बस आपको ढूंढने की देर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर लॉ, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होना, यही लॉ है प्रोग्रेसिव चेंज। चेंज इज इनएविटेबल, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट। चेंज जो है वो कंटिन्यूस होता रहता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग टाइम स्पेन के साथ में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई मेटल पड़ा हुआ है और वो बहुत टाइम तक लाइट, रेन और एयर में एक्सपोज रहेगा तो उसमें रस्ट लग जाएगी। तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट अपने अपने टाइम स्पेन के हिसाब से चेंजेस उसमें आते रहते हैं। द क्रिमिनल अंडरगोज प्रोग्रेसिव चेंज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल जो है उसमें भी प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं। इफ ही इज नॉट एप्रिहेंडेड इन टाइम, ही बिकम्स अनरिकॉग्नाइजेबल। अगर वक्त रहते उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ा गया तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, या फिर रिकॉग्नाइज करना उसका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्रिमिनल जो है वो भी टाइम के साथ चेंज होता है, साथ ही में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी टाइम के साथ में चेंज होते जाते हैं। द सीन ऑफ अकरेंस अंडरगोज रैपिड चेंज। जो सीन ऑफ अकरेंस है, सीन ऑफ अकरेंस, व्हाट इज सीन ऑफ अकरेंस? सीन ऑफ अकरेंस मतलब जहां पर क्राइम हुआ है उसको हम बोलते हैं सीन ऑफ अकरेंस। तो वहां पे भी रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं। The weather, the vegetable growth, the living beings make extensive changes in comparatively short period. तो यही लोग बोलता है कि time के साथ में crime scene भी change होगा, objects भी change होंगे and criminal भी जो है उसमें भी changes देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके कुछ examples हैं, like samples degrade with time. ठीक है, samples जो हैं वो degrade होते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी सैंपल प्रेजेंट है, आपने कलेक्ट नहीं करा है या कलेक्ट कर भी लिया है तब भी अगर उससे आप प्रॉपरली नहीं रखेंगे तो वो सैंपल डिग्रेड हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। बॉडीज डिकम्पोज, अगर किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, और वो बॉडी जो है वो बरामद नहीं की गई है तो वो टाइम के साथ में सड़ने लगेगी, डिकम्पोज होने लगेगी। अगर टायर ट्रैक्स हैं या बाइट मार्क्स हैं वो फेड होने लगेंगे। ये देख सकते हो आप, ये एकदम फ्रेश टायर मार्क है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ये आप सेकेंड डायग्राम देखो, यहाँ पे ये फेड होने लगा है, राइट? ठीक है, फायर आर्म बैरल लूजेंस, जो फायर आर्म्स के बैरल होते हैं वो लूज होने लगते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट्स रस्ट, आप देख सकते हो ये मेटल था जो कि रस्ट लग गया जिसमें, ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद में। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं। द सेकेंड लॉ यही बोलता है,
सॉरी थर्ड लॉ यही बोलता है, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, की टाइम के साथ में वक्त के अनुसार ऑब्जेक्ट्स में, मार्क्स में, मेटल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, सीन ऑफ अकरेंस हो, सब में चेंजेस आते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ, हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंपेरिजन. Only the likes can be compared. अगर हमें comparison करना है तो हम सिर्फ likes के बीच में compare कर सकते हैं. That means it emphasizes the necessity of providing like samples and specimen for comparison with the question type. ठीक है, मतलब कि अगर question item है, मान लीजिए हमें एक bullet मिलती है, हम उसका comparison, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी बुलेट के साथ कंपेयर करने लगेंगे, हमें उसी के जैसी बुलेट चाहिए कंपेयर करने के लिए. ये हमारी क्वेश्चन आइटम है, ठीक है. अब इसको कंपेयर करने के लिए हम उसी की तरह की चीज़ लेकर आएंगे, है ना. जैसे कि अ क्वेश्चन हेयर कैन ओनली बी कंपेयर टू अनदर हेयर सैम्पल. मान लीजिए हमें कहीं से हेयर मिला, अब हम हेयर, ह्यूमन हेयर मिला हमें, ठीक है. वो भी बाद में मैं बताऊंगी कैसे ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. बट मान लीजिए हमें हेयर मिला है और हमें ये चीज़ पता है कि ये ह्यूमन हेयर है, अब हम उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन हेयर है. अब हमें शक किस पे है, सस्पेक्टेड पर्सन कौन है, हम उस सस्पेक्टेड पर्सन का हेयर सैंपल लेंगे, हम उससे कंपैरिजन करेंगे. ऐसे ही नहीं हम किसी के भी कंपैरिजन करने लगेंगे, तो हम उस सैंपल से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. सेम विथ टूल मार्क्स, बाइट मार्क्स, टायर मार्क्स एक्सेट्रा, हर चीज के साथ में ऐसे ही होता है. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि हैंडराइटिंग कंपैरिजन. अब जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमें हैंडराइटिंग कंपैरिजन के लिए भी दो हैंडराइटिंग चाहिए. मान लीजिए ये हमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है और इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है. तो हमेशा हमारे पास में एक क्वेश्चन होता है और एक हमारे पास में कंपैरिजन करने के लिए होता है, ठीक है. दो चीज़ें होती हैं. सेम विद फोटोग्राफ्स, ठीक है. मान लीजिए स्केच बनाया है, अब हम उस स्केच को जो हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं हम उनसे कंपेयर करेंगे. ये चीज़ें होती हैं. दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन. और कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि इसी से हम पता लगाते हैं बहुत सारी चीज़ों का. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस. प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस क्या बोलता है, एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैंपल एनालाइज्ड. इम्प्रॉपर सैंपलिंग एंड कंटेमिनेशन रेंडर द बेस्ट एनालिसिस यूजलेस. बात समझ में आई, नहीं मैं बताती हूँ. देखिए क्या है यहाँ पे, एनालिसिस तभी बेस्ट रिजल्ट दे सकती है जब प्रॉपर सैंपलिंग हो, ठीक है. क्या हो, प्रॉपर सैंपलिंग हो, ठीक है, विदाउट कंटेमिनेशन, कोई कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसको प्रिजर्व करा गया हो. सैंपल की बात हो रही है यहाँ पे. अगर इम्प्रॉपर सैंपलिंग है या कंटेमिनेशन है तो आपको कभी भी प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बेस्ट एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे. द प्रिंसिपल एम्फसाइजेस द नेसेसिटी ऑफ करेक्ट सैंपलिंग एंड करेक्ट पैकेजिंग, ठीक है. जो मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट्स का काम क्या होता है कि आपको प्रॉपर सैम्पलिंग करनी है, प्रॉपर पैकेजिंग करनी है, ठीक है. क्योंकि अगर यहाँ पर कंटेमिनेशन हो जाता है तो फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो रेंडर करेंगे, ठीक है. रिजल्ट्स रेंडर करेंगे, दैट मीन्स कि फिर आपको कभी भी एक प्रॉपर जो है बेस्ट रिजल्ट निकल के नहीं मिलेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस यही बोलता है कि एक्सपर्ट के द्वारा जो है प्रॉपर सैम्पलिंग और प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, तभी आपको बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है. ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, ठीक है. कलेक्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो हेयर का कलेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से, हाथ से कुछ भी टच नहीं किया जा रहा है यहाँ पे. प्रॉपर जो है ग्लव्स के साथ में, ठीक है, फोर्सेप्स के साथ में इनको हेयर सैंपल को प्रॉपरली कलेक्ट किया जा रहा है और पैक किया जा रहा है. सेम हैपनिंग विद द ब्लड सैंपल. यहाँ पर ब्लड के कुछ स्टेन्स पड़े हुए हैं जिन्हें कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और बाइल्स में पैक किया जा रहा है. बहुत केयरफुली, बिना कंटामिनेशन के ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है. इन्हें हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ब्लड सैंपल कलेक्ट होते हैं, किस तरीके से हेयर सैंपल कलेक्ट होते हैं, धीरे धीरे करके हम सारी क्लासेस यहाँ पर कवर करेंगे. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ऑल आइडेंटिफिकेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट आर मेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. देखिए क्या होता है, हमेशा ना प्रोबेबिलिटी यहाँ पर
ज़रूरी होती है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हो, सारे बेस किस पे होते हैं? प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज मोस्टली मिसअंडरस्टूड, हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं दैट इफ वी से दैट अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी अ पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट हैज कम फ्रॉम द गिवन सोर्स, बट इट इज़ नॉट द डेफिनेट ओपिनियन। ये एक डेफिनेट ओपिनियन नहीं होती, हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि मान लीजिए इस जगह पर कोई क्राइम हुआ है, हमें यहाँ से कुछ एविडेंसेस बरामद हुए हैं, वो एविडेंसेस में अब हम अपना कुछ दिमाग यूज़ करेंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि ये यहाँ पे मिला है तो इस तरीके से आया हो सकता है, इसका हो सकता है, या कोई भी चीज़ है तो प्रोबेबिलिटी पर पूरा बेस्ड होता है। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं और फिर उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट दैट मीन्स फैक्ट डू नॉट लाई, मैन कैन डू, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट्स कभी लाई नहीं कर सकते हैं, भाई जो इंसान है वो तो डेफिनेटली झूठ बोलता ही है, बट कभी भी फैक्ट्स लाई नहीं करते हैं। एविडेंसेस गिवन बाय आई विटनेस और विक्टिम्स मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट। आई विटनेस क्या होता है? आई विटनेस मतलब कि जिसने सामने से खड़े होके क्राइम होते हुए देखा है और वो आके अपना बयान दर्ज करा रहा है कि हमने यहाँ पर क्राइम होते हुए देखा था, ऐसा ऐसा व्यक्ति था, ऐसा ऐसा ये चीज़ हो रही थी, तो आई विटनेस भी गलत हो सकता है, डेफिनेटली गलत हो सकता है। विक्टिम खुद भी गलत चीज़ें बता सकता है, ठीक है, विक्टिम खुद भी गलत चीज़ें बता सकता है, लेकिन फैक्ट्स कभी गलत नहीं बताते हैं। समटाइम्स विक्टिम, कभी कभी क्या होता है, विक्टिम्स इंटेंशनली झूठ बोलते हैं सामने वाले को फंसाने के लिए, ठीक है। बहुत देखा गया है, देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो गलत रेप केस जो है वो अगर उन्हें किसी से बदला निकालना होता है तो उन पर गलत रेप केस चार्ज कर देती हैं, तो वो झूठ बोल सकती हैं, लेकिन जब उस पर जांच की जाएगी, ठीक है, जब उस पर पता लगाया जाएगा तो फैक्ट्स जो है वो कभी लाए नहीं करते हैं। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ गलत सुन लिया है, ठीक है, या फिर कुछ गलत देख लिया है, लो आई साइट है, प्रॉपरली सुनाई नहीं देता है, या फिर हो सकता है एग्जैचुरेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट करके बता रहे हो चीज़ें, या अपने अजम्पशंस बता रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कार्ल मैक्स ने बताया है, ट्रू बिलीफ ओनली बिकम्स नॉलेज व्हेन बेक्ड बाय सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंसेस। आप तभी किसी पर विश्वास कर सकते हो जब आप उनकी बात को एविडेंसेस के साथ में लिंक करो, जब आप इन्वेस्टिगेट करो बात को, एविडेंसेस मिले, तब आप उस चीज पर विश्वास कर सकते हो। किसी के बोलने पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सामने वाला गलत सुन सकता है, गलत देख सकता है, एग्जैचुरेट कर सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फैक्ट पर विश्वास किया जाता है, ना ही कि किसी के बोले जाने पर, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। और ये थे हमारे 7 लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो आपको याद रखने हैं, और बहुत ही बेसिक सा है, कुछ भी इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।